एसी बंद करिए दो। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। पार्टनरशिप हो गया था कि सम चल रहा था? क्या क्या सम बाकी है मुझे बताओ, क्योंकि पढ़ने का काम कर लिए थे। सम नंबर 9 बाकी है। ओके, 12 बाकी है, तेरा जरूरत नहीं और। ओके, तब तो आज हो जाएगा, बैंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप एक काम करो, 9 नंबर सम देखो, थोड़ा नया स्टाइल का सम है। 9 नंबर सम को देखो, ओके। पढ़ लिए किसके बिजनेस को किन लोगों ने टेक ओवर किया? पहला लाइन, श्री रामन ने टेक ओवर किया। किसका बिजनेस था? तो गुप्ता एंड सिंह का फिर पार्टनरशिप फर्म होगा, देखने से तो लग रहा है गुप्ता और सिंह एक नाम तो नहीं लग रहा है, तो वो एक पार्टनरशिप फर्म होगा, उसको एक इंडिविजुअल ने टेक ओवर कर लिया। बट एनीवे, बिजनेस एक्विजिशन तो है ही, कन्वर्जन ऑफ फर्म इंटू अ कंपनी नहीं हुआ तो क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इंटू अ प्रोप्राइटरशिप फर्म तो हो ही जाएगा। बट एनीवे, इट्स अ बिजनेस एक्विजिशन, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का समय, बहुत अच्छा लगेगा आपको सम बनाकर। चलो आगे पढ़ो, क्या हुआ, किस दिन का असेट लायबिलिटी दिया हुआ ये वाला?
और 31 मार्च 2016 को क्या हुआ है, उसी दिन टेक ओवर हुआ है क्या बेटा, एक्विजिशन उसी दिन हुआ है। ओके ओके फैंटास्टिक। अब उसके नीचे देखिए एक लाइन लिखा है कि 1 जनवरी से लेके 31 मार्च के बीच में और कोई असेट लायबिलिटी में चेंज नहीं हुआ है जिनको जिनको टेक ओवर नहीं किया गया है, और उसके नीचे लिखा है सेम बुक्स को कंटिन्यू कर दिया गया है, और उसके नीचे लिखा है 80,000 का पेमेंट एंट्री हुआ है। आगे एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, देखिए तो किसका बैलेंस शीट है वो, आराम से देख के आराम से बोलिएगा एंड गेट इन्वॉल्व प्लीज, बहुत मजा आएगा सब बना के। किसका बैलेंस शीट है वो, गुप्ता एंड सिंह का बैलेंस शीट है। और कितना तारीख का बैलेंस शीट है वो, माने 3 महीना पहले का है। आप एक सिंपल सा बात बताओ, अगर आप लोग गुप्ता एंड सिंह हो, मान लीजिए आप 2 जने गुप्ता और सिंह हो, हम रमन हैं, हम आप लोग जनवरी से बिजनेस कर रहे हो, हम आपका बिजनेस मार्च में टेक ओवर किए, ठीक है, फिर आपको 80,000 रुपया दे दिए, आप लोगों को 80,000 रुपीज का हम पेमेंट कर दिए, ठीक है, और आप वाला बुक्स ही हम टान के ले गए लास्ट तक, ठीक है ना। एक चीज जो कॉमन सेंस बनता है वो ये है कि हम आपका बिजनेस टेक ओवर मार्च में किए, ठीक है, और नीचे जो ट्रायल बैलेंस आप देख रहे हो वो पूरा 12 महीना का दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस तो पूरे साल का ही होता है, लिखा हुआ अभी वहां पे आप देखिएगा ऑन 31 दिसंबर ट्रायल बैलेंस इज। तो और ना जब हम एक्विजिशन किए ना आपका, तो आपका ही बुक स्टान दिए, माने हम अलग से एक्विजिशन एंट्री, माने आपका बुक क्लोज नहीं हुआ, मेरा बुक ओपन नहीं हुआ, आपका ही बुक्स को हम टान दिए ना। दी पॉइंट इज ये जो ट्रायल बैलेंस है इससे जो प्रॉफिट लॉस निकलेगा, मान लो सेल परचेज स्टॉक सब कुछ करके जो हम पीएल बनाएंगे वो 12 महीना का होगा। यस नो बोलिए। लेकिन उसमें से 3 महीना का प्रॉफिट लॉस पार्टनरशिप फर्म का है और 9 महीना का ही मेरा है। अब 3 महीना और 9 महीना का प्रॉफिट लॉस, एक तो ये फंडा हुआ कि भाई 12 महीना का निकाल लो, 3:9 कर दो, नहीं। और एक ये भी तो तरीका हो सकता, और बताना इस सम में कौन सा लगेगा, कि अगर मान लो 12 महीना का प्रॉफिट लॉस निकला 1,00,000 रुपया, हिसाब से 3 महीना का 25,000, 9 महीना का 75,000 हो गया। लेकिन अगर 3 महीना का प्रॉफिट लॉस अलग से कोई तरीका से निकल सकता है, कोई तरीका से, इफ इट कैन बी कंप्यूटेड एंड इफ इट कम्स 40,000, तो फिर तो 9 महीना का 60,000 होगा ना, क्योंकि टोटल साल भर का तो 1,00,000 है। मैं स्टॉप करूं डिस्कशन को एक लाइन बोल करके, अभी तक का लाइन सब समझ में आया। नाउ लिसन, इस क्वेश्चन में 3 महीना का प्रॉफिट लॉस अप्रैल, कौन सा 3 महीना है बोलो तो, जनवरी फरवरी मार्च, बैलेंस शीट में कैपिटल कंपैरिजन करके निकल जाएगा। सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, सिंगल एंट्री अगर याद है, सिंगल एंट्री उसमें एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड पढ़ते थे, क्या था याद करो तो, कुछ कुछ बोलो जो भी याद है तो बोलो, आप बोल रहे थे, हाँ, ड्रॉइंग और इंट्रोडक्शन मान लीजिए नहीं है तो लेस ओपनिंग कैपिटल से प्रॉफिट आ जाएगा ना, क्लोजिंग कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल, इस सब में ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, देखो चलो देख के बताओ कितना है, दोनों का मिला के बोलो 50,000, और क्लोजिंग कैपिटल निकल सकता है, क्लोजिंग माने बोलो तो कौन से दिन का, क्यों दिसंबर, दिसंबर तक तो मेरा बिजनेस हो जाएगा, यहां क्लोज, हम 3 महीना का प्रॉफिट निकालने का बात बोल रहे हैं बेटा, 3 महीना का, तो क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च का कैसे निकल सकता है बोलो, सारा असेट लायबिलिटी 31 मार्च का बैलेंस दिया हुआ है, देखो 4 बैलेंस दिया हुआ ऊपर में, और जो बाकी जो असेट लायबिलिटी बच गया उसमें लिखा हुआ दीज बैलेंसेस डिड नॉट चेंज। तो अगर हम असेट माइनस लायबिलिटी करके कैपिटल निकाल ले 3 महीना के बाद का, और कैपिटल माइनस कैपिटल कर दें, तो 3 महीना का प्रॉफिट नहीं निकल जाएगा। उसके बाद अगर 12 महीना, मुन्ना बात मत कर बॉयज प्लीज, हाँ बोल, नहीं तो भी तुम लोग ब्रेक के बाद आ जाओ, क्योंकि आज ब्रेक के बाद 1.5 घंटा के बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो तुम लोग अभी चले जाओ, ब्रेक के बाद आ जाना, 3:45 पे आ जाओ। बच्चों एक बात बताओ, उसके बाद अगर हम साल भर का पीएल बना दें
और तीन महीना का प्रॉफिट यहां से निकाल ले तो बाकी नौ महीना का प्रॉफिट निकल जाएगा। नाउ टेल मी, ये करेक्ट आंसर होगा या एक लाख को 25:75, 3:9 करना करेक्ट आंसर होगा? ये करेक्ट आंसर होगा ना, जो पहले बोले वो करेक्ट आंसर होगा ना। तो चलो इस सब में सिंगल एंट्री और पार्टनरशिप को मिक्स कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड को और पार्टनरशिप को कैसे मिक्स किया देखो। और इसीलिए क्या होता है, कोई भी एक चैप्टर पढ़ते हो तो वो चैप्टर की तरह नहीं पढ़ा जाता है, वो नॉलेज की तरह पढ़ा जाता है कि इससे हमको एक आइडिया मिला। अब वो आइडिया कोई भी चैप्टर में यूज हो हम उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, लिखो। देखो, वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट थ्री मंथ्स विच वी कैन फाइंड बाय comparing the opening capital with the closing capital. चलिए, ओपनिंग कैपिटल 50,000 बोले थे ना, तो चलो क्लोजिंग कैपिटल निकालो। लिखो, क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च कितना बोलो तो 60. कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। ठीक है, चलो एक एक करके मुझे असेट लायबिलिटी के बैलेंसेस देते जाओ। फर्नीचर 3,000 कैसे पता चला, ऊपर में दिया हुआ है। ठीक है, स्टॉक भी ऊपर में दिया हुआ है 46,000। डेटर्स भी दिया हुआ है 35,000। और कोई असेट है? ये अभी ना, ये किसका बैलेंस शीट बन रहा है बोलो, रमन का बन रहा है कि गुप्ता एंड सिंह का बन रहा है? हाँ, ये तुम लोग का बन रहा है बैलेंस शीट, हम उसके बाद पिक्चर में आए और हम एक्चुअल में तुम लोग का बुक्स को ही टान के ले गए। आप देखिए मेरे वाले ट्रायल बैलेंस में जो 9 महीना बाद दिया हुआ है, आप लोगों का ही नाम लिखा हुआ वहां पे। देखिए ट्रायल बैलेंस में, देखिए आप लोगों का नाम लिखा हुआ है। बोलिए हाँ या ना, आप लोगों का नाम लिखा है कि नहीं लिखा पहले हमको बताइए। मेरा भी नाम होगा पर आप लोगों का नाम अभी भी लिखा हुआ है, तो आप लोगों का नाम अभी भी कैसे लिखा हो सकता है? आप लोगों का बुक्स हम टान के ले गए होंगे तभी तो लिखा हो सकता है ना, इस सबको हम उड़ाएंगे अभी थोड़ा देर के बाद बुक से। ठीक है, चलो और असेट लाइबिलिटी बताओ। कुछ ऐसा असेट लाइबिलिटी भी है जो हमने टेक ओवर नहीं किया है और बोला उसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ है 3 महीना में, नाम बोलो एक एक करके। इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा? $2,000। लायबिलिटी साइड बताओ, लोन है और क्रेडिटर्स है ना,
एक एक करके अमाउंट बताओ। बैंक लोन, क्रेडिटर लेकिन चेंज हो गया बैलेंस ना 3 महीना के बाद का। नेक्स्ट, अब क्या करना पड़ेगा बताइए। साल प्रॉफिट निकालना होगा 3 महीना का। कैसे निकालोगे? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, लिख लो। इसमें ऐड इंट्रोडक्शन लेस ड्राइंग भी होता, ऐड ड्राइंग लेस इंट्रोडक्शन भी होता था अगर याद हो तो। सिंगल एंट्री अभी तो पढ़े ना ग्रुप 1 में, अब तो नया चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें भी, ये भी आज खत्म हो जाएगा, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। ये हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है, इस सब में बोला पीएल बनाओ। आप जो पीएल बनाएंगे वो 12 महीना का बन सकेगा, बोलो क्यों? 3 महीना का नहीं बन सकेगा, बोलो क्यों नहीं? हाँ, और डिटेल नहीं है रे, 3 महीना का अलग से और 9 महीना का अलग से, डिटेल नहीं है। तो मान लो आप 12 महीना का पीएल बनाया और आंसर आया 30,000। आंसर तो 30 पूरा 12 महीना का आएगा ना एक साथ, क्योंकि आप तो वहां का ओपनिंग स्टॉक लास्ट का क्लोजिंग स्टॉक लेंगे ना बेटा, पूरा सेल 12 महीना का, परचेज 12 महीना का डेटा आपके पास, तो 13 माइनस कर दीजिएगा तो आपको बाकी 9 महीना का प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा। और वो 9 महीना का प्रॉफिट लॉस ही, आगे एक सेंटेंस बोली हमको पता चले कि आप नॉलेजेबल हैं, वो 9 महीना का प्रॉफिट ही रमन को मिलेगा और रमन के कैपिटल में वही वाला ऐड होगा, पूरा 12 महीना का प्रॉफिट ऐड नहीं होगा। बुक्स वही वाला टान दिया तो क्या हुआ, रॉन्ग थोड़ी कर देंगे आप प्रॉफिट को। चलो वेरी गुड, अब आप 12 महीना का प्रॉफिट बनाओ, प्रॉफिट निकाल लो पूरा अच्छे से 12 महीना का, फिर नीचे लिखो प्रॉफिट ऑफ 9 मंथ इज इक्वल टू, एकदम आराम से छोटा सा ट्रेडिंग पीएल बनाओ।
एक भी खर्चा नहीं है रे 12 महीना में। अच्छा एक्सपेंस बोल के और कुछ नहीं लिखा हुआ है। हम थोड़ा ज्यादा ही बड़ा बना दिए, ये थोड़ा ज्यादा ही छोटा था पीएल। ट्रेडिंग ज्यादा बड़ा है, पीएल छोटा सा है। खैर क्वेश्चन में ये स्टोरी ही नहीं है कि आपको पीएल बनाना आता है कि नहीं। क्वेश्चन का स्टोरी ये है कि 3 महीना के लिए सिंगल एंट्री का चैप्टर और 9 महीना के लिए पार्टनरशिप का चैप्टर का सम बनाया है। ठीक है, ये हो गया 78,000 आया। आप लोगों का आ गया 78? आगे का काम बोलो, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाना है। बोलो माइनस कर दो, लिखो प्रॉफिट ऑफ 9 मंथ्स इज इक्वल टू (78 - 13) ना रे। यहां तक सबका कंप्लीट। अब बैलेंस शीट किसका बनेगा? हम अगर दिसंबर का बैलेंस शीट बनाएंगे तो किसका बनेगा? रमन का बनेगा। और दिसंबर का डेटा लेना पड़ेगा बैलेंस शीट के लिए, और डेटा दिया हुआ दिसंबर का, एकदम अच्छा से ट्रायल बैलेंस में दिया है। रुको मेरे को पूछने दो और बहुत ध्यान से सोचने, सब इंटेलिजेंट टाइप के सम होते हैं, कुछ नहीं, अकाउंटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं होता, खाली बुद्धि लगाना होता है। कौन सा एसेट और लायबिलिटी रमन के बैलेंस शीट में नहीं आएगा जो अभी भी ट्रायल बैलेंस में है? सिर्फ 3 ठो का नाम बता दो। ये 3 ऐसा एसेट लायबिलिटी है जो गुप्ता और सिंह ने रमन को दिया ही नहीं, या आप ऐसा बोल दो रमन ने लिया ही नहीं। इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी और बैंक लोन। तो आप देखिएगा उसके बिना आप आराम से बैलेंस शीट बनाइए, इसी डेटा को लेकर बैलेंस शीट बनाइए, आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। लेकिन प्लीज कैपिटल रमन का होना चाहिए। गुप्ता सिंह से रिलेटेड सारे डेटा को इग्नोर कर दो, अपना डेटा मिला करके बैलेंस शीट बना दो, बैलेंस शीट बन जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ट्रायल बैलेंस में वो सब डेटा है, वो सब क्या होगा, उसको उड़ाना है? तो सर आप तो उड़ाए नहीं, कैसे उड़ाएंगे? जर्नल मार करके। सर कैसा जर्नल मारेंगे? असेट और लाइबिलिटी को उल्टा पलटा करेंगे, गुप्ता और सिंह को उल्टा पलटा कर, उल्टा पलटा माने क्रेडिट होगा तो डेबिट कर देंगे, डेबिट होगा तो क्रेडिट कर देंगे, और बिजनेस परचेज को उल्टा कर देंगे। और वो जो प्रॉफिट आया ना 13,000 रुपया, वो भी तो पीएल का है, उसको उल्टा कर देंगे, सलट जाएगा। तो सर ऐसा तो कभी देखे नहीं? हाँ तो पहली बार देख रहे हो, इसीलिए तो मैंने बोला इंटेलिजेंट सम है। लेकिन इस सम में खाली चेक करना होगा कि उसके लिए कुछ बोला है कि नहीं बोला है, अकाउंट बनाने या उल्टा पलटा करने। आपका मन है हम कर देंगे, लेकिन पहले जो जो मेन बात है वो कर लेते हैं। बैलेंस शीट बनाइए, बैलेंस शीट मांगा है कि नहीं? हाँ, ये बैलेंस शीट और पीएल तो मांगे ही कम से कम। अच्छा हम लोग कितना पीसी पेमेंट किए थे रे? और एक बार कैलकुलेटर पे नेटो निकाल लो ना, ताकि गुडविल या कैपिटल रिजर्व, आप लोगों को ये मालूम है ना नेटो माइनस पीसी गुडविल होता है? एक बार देखे हो तुम लोग नेटो कितना आया है? एक बच्चा 6,000 बोल रहा है, नेटो 6 है कि गुडविल 6 है? चेक कर लो तो, गुडविल 6 है लिखा हुआ है कि तुम निकाला बेटा? तो एक मिनट, हम लोग को भी हेल्प करो एक बार। डेटर 35 प्लस फर्नीचर 3 38 प्लस स्टॉक 46 माइनस क्रेडिट, ये आता है ना आप लोगों को ये चीज, माइनस क्रेडिटर 10, 74 का नेटो है और हमने पेमेंट किया है 80,000, तो 6,000 का गुडविल है। ये गुडविल रमन का बैलेंस शीट में क्यों आएगा बताओ? हाँ, क्योंकि ये पेमेंट किया ना 80,000 रुपया, 74 का मान लिया,
80 का पेमेंट किया तो गुडविल तो बैलेंस शीट में आएगा, इसका एक वर्किंग नोट अभी बना दो या फिर बैलेंस शीट के बाद बना देंगे, ठीक है, बाद में बना देते हैं। एक एक करके सारे एसेट का नाम बताओ, क्लोजिंग डेट का बताना, क्लोजिंग माने दिसंबर, साल दिया हुआ है, हाँ सॉरी दिसंबर, साल बताओ, एक एक करके एसेट के नाम बताओ, स्टॉक, थोड़ा फर्नीचर से स्टार्ट करते ना, फिक्स्ड एसेट हम पहले लिखते हैं। देखो तो तीन ही है कि एडलेस हुआ है, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक देना लास्ट डेट का, वेरी गुड आंसर। डेटर भी बदल गया होगा, वो वाला मत देना मार्च वाला, दिसंबर वाला देना, बदल गया होगा ना, बिजनेस चल रहा है, डेटर तो ऊपर नीचे रोज होता है ना, बोलो। और स्टॉक डेटर हो गया, कैश है क्या, देखो तो बैंक बैलेंस अमाउंट, गुडविल, यहां स्टार लगा दिए, वर्किंग नोट में आ जाएगा वो 6000। सुनिए ना, टोटल करने हम नहीं देंगे अभी, ये दोनों अमाउंट मैं देखूंगा आप कितना बोलते हो, कैपिटल और नेट प्रॉफिट। थैंक यू 30,000 बोलने के लिए, क्यों, हाँ रमन का ही तो बोलना है सर, रमन का ही तो बैलेंस शीट है, क्रेडिटर ना, मेरे को मार्च वाला मत बताना, मार्च वाला 10,000 था, ये बैलेंस शीट ना आपका टैली कर जाएगा, अगर आपने टोटल सही कर लिया, ठीक से लिख दिया होगा तो टैली कर जाएगा। दिख रही, ये सब छुपा के लिख रहे हो, भी दिख रहा है तुम लोग को, बट अच्छा अच्छा लगा कि इमीडिएट एकदम क्लैरिटी है, साला हम क्या कर रहे हो भी नहीं बताए अभी, हाँ पर गुप्ता लिखे हैं तो साथ में रमन नहीं लिख सकते, साथ में सिंह ही लिखना होगा आपको, ये जो बुद्धि दौड़ रहा है ना, दैट इज वेरी नाइस, आई एम हैप्पी, पर हम ये अभी क्या कर रहे हैं आपको बताए नहीं, हाँ आप सोचना थोड़ी देर बाद कि हम ये क्या किए हैं, हाँ क्या क्लोज कर रहे हैं बोलिए तो, एक मिनट रुकिए थोड़ा, एक मिनट ना ट्रे बाबा, ये हम क्या कर रहे हैं आप बताइए, क्लोज वर्ड से हटा के कुछ अच्छा वर्ड, क्लोज गुड आंसर, कोई और अच्छा वर्ड, हाँ पार्टनरशिप की बैलेंस शीट की कुछ गंदी गंदी चीजें मेरी बैलेंस शीट में अभी भी चिपकी हुई हैं, क्यों चिपकी हुई हैं, क्योंकि हम उसी का बुक्स को ही टान के ले आए थे, नहीं समझे, और हम उसका बुक को जब टाने थे ना तो उसको 80,000 का पेमेंट किए थे, और उसका एंट्री भी हम गुप्ता सिंह टू कैश नहीं किए थे, बिजनेस परचेज टू कैश किए थे। देखिए वहां बिजनेस परचेज में 80,000 रुपया डेबिट साइड में खड़ा होगा, देखिएगा जरा, हमको तो गुप्ता सिंह को पेमेंट किए तो गुप्ता सिंह टू कैश करना चाहिए था, वो भी नहीं किए थे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वो जितना भी चीज मेरा नहीं है हम उन सबको हटा दे रहे हैं अपने बुक से। पूछना चाहते हैं ये मांगा है क्या क्वेश्चन पेपर में, और ना पहले ये आप लोग कर रहे हो वाला चीज, ये कॉपी कर रहे हो क्या आप लोग, दो मिनट रुक जाओ ना, दो मिनट रुक जाओ, पहले मेरे को इसके फिगर्स बताओ, देखना ये अपने आप टैली कर जाएगा।
हाँ गुडविल लिखना हो, गुडविल लाना भी तो पड़ेगा। बोली गुडविल 6000। अच्छा बाकी चीज हटा रहे हैं और गुडविल को ला रहे हैं, क्योंकि गुडविल लाया हुआ ट्रायल में नहीं है। गुप्ता बताओ। 30 सिंह ये हटा रहे हैं, ये मेरे पीएल में है। मेरा पीएल में तो 90 ना कितना था ना, 78 ना कितना था रहा है पीएल में, 78, उसमें तो मेरा तो 65 ही है ना, तो बाकी 13 तो हमको उड़ाना पड़ेगा ना, वो तो गुप्ता सिंह का ही है ना। इधर देख, गुप्ता और सिंह का 50 प्लस 13, इस जर्नल एंट्री को हम लोग बोलते हैं कि रिमूवल ऑफ दोज आइटम्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज विच आर नॉट टेकन ओवर बट स्टिल दे आर इन द बैलेंस शीट। ये तभी करना पड़ता है जब उसका बुक स्टान देते हैं। और इस तरह का चक्कर जो आपके सामने है, और क्या ये इसका, इसको कोई चैप्टर नहीं बोलते, एक सिचुएशन को हैंडल करना बोलते हैं। अब हम तुमसे ये पूछ रहे हैं, ये टैली हो गया, चेक कर लिए, इन्होंने कुछ मांगा है ऐसा? अच्छा बिजनेस परचेज अकाउंट मांगा है, तो वो समझ लो कि बिजनेस परचेज अकाउंट इसी काम के लिए मांगा है। इसमें बिजनेस परचेज अकाउंट है? बोलिए जल्दी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सुनिए मेरा, अब कोई भी पेन पेपर को यूज नहीं करेगा, अब आपको क्या करना है जरा सुनिए। और इफ यू कैन डिलीवर हियर, हम मानेंगे आप चैंपियन बच्चे हैं, ठीक है। अब आपको बोला कि बिजनेस परचेज अकाउंट बनाओ, ये जर्नल पास करने नहीं बोला, बिजनेस परचेज अकाउंट बनाने बोला, और यही काम करके दिखाओ, मतलब ऐसे थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूं, बाकी तेरा थोड़ा सा हम हेल्प कर रहे हैं। बिजनेस परचेज अकाउंट माने मैं लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ बुद्धि दौड़ने लग गया, टू इंश्योरेंस पॉलिसी, थैंक यू बोलते जाओ, 2000, टू इन्वेस्टमेंट 5000। अच्छा हमसे पूछना मत ये किस तरह का लेजर है, पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, मारेंगे बहुत जोर। हाँ ये कुछ नहीं है, ये इसको हम लोग बोलते हैं ये एडजस्टमेंट करने के लिए इस तरह का एक काम किया जा रहा है, अदरवाइज सच्चाई ये है, दिस इज द ट्रूथ। और ये क्योंकि ये ट्रूथ है और ये मांगा नहीं है, ये मांगा है तो ये करके दे रहे हैं। बोलो भाई, आ गया तो आपको बस छोड़ दो, अब मैं कर दूंगा देख देख के। अच्छा आप ये बताओ, खाली लेजर बनाओगे कि ये जर्नल भी कॉपी करना चाहेंगे? हाँ बिकॉज मेन नॉलेज जर्नल में है, लेजर तो एडजस्टमेंट के हिसाब से बनाया गया, ऐसा कोई लेजर होता नहीं है रियल लाइफ में। तो आप एक काम करो, सुनो, पहले एक वर्किंग नोट बनाओ गुडविल कंप्यूटेशन का, लिखो गुडविल कंप्यूटेशन,
हो गया वर्किंग। अब एक तो बड़ा सारा लाइन टान दीजिए, ये मेन सॉल्यूशन का पार्ट कंप्लीट हो गया। आपने 3 महीना का प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड से निकाला, 9 महीना का प्रॉफिट पीएल बना के निकाला, फिर बैलेंस शीट बनाए, उसके लिए आपको गुडविल चाहिए था, वर्किंग कर दिए। अब एक लाइन टान करके बड़ा सारा नीचे लिखो, हाउ एवर वी हैव टू रिमूव those items which are there in the trial balance but are not taken over by Raman. And bring goodwill of 6,000. कुछ हटाना है और कुछ लाना है। हटाना बहुत ज्यादा चीज है, लाना कम है। बस the following journal will help. अब आप ये वाली जर्नल पास कर लो, ये आपको हेल्प करेगी। हो गया, जर्नल कॉपी हो गया। अब उसी के नीचे लिखो, बट द क्वेश्चन हैज नॉट या द क्वेश्चन हैज रिक्वायर्ड अस टू प्रिपेयर ए बिजनेस परचेज अकाउंट। लिखो, बट द क्वेश्चन हैज रिक्वायर्ड अस टू प्रिपेयर अ बिजनेस परचेज अकाउंट। मैं ये वर्ड नहीं लिखा रहा हूं, पर आपको बोल रहा हूं, बाय अप्लाइंग आवर कॉमन सेंस वी कैन प्रिपेयर इट एज फॉलोस। बस ये लिखना नहीं है, चलो लिखो बिजनेस परचेज अकाउंट। आप ये बता सकते हो मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऐसे क्यों लिखा, टू बैंक क्यों नहीं लिखा, मैं ये पूछ रहा हूं। हां, क्योंकि ऑलरेडी उसी समय कर दिए तेरे, जब वो हां जब उसे लिए थे ना धंधा उसका, मार्च में ना कब लिए थे ना, तब जब पेमेंट किए थे तो टू बैंक लिख दिए थे। अभी साला टू बैंक लिखेंगे तो बैंक बैलेंस गिराना पड़ेगा, तो ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं तो मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट किया। चलो अब इसको कॉपी कर लो अच्छे से।
अगर ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का आएगा तो बिजनेस परचेज में 4 मार्क्स रहेगा और आप जो पहले काम किए उसमें 12 मार्क्स रहेगा। हाँ बड़ा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड है। हाँ बेटा आया हुआ है, कब आया है मैंने, मेरे को नहीं मालूम। इंटरेस्टिंग सम है लेकिन, खास करके पीएल बैलेंस ही, अगर बिजनेस परचेज अकाउंट नहीं बनाने बोले गंदगी, ये तो गंदगी है ना जी। हाँ तो वो सिंगल एंट्री के जैसा सम हो गया। इसका टोटल कितना आया रे तुम लोग का? 87। अच्छा आप लोगों ने माइनर एज ए पार्टनर सुना है? क्या सुना उसके बारे में? हाँ रुकिए, एक तो बड़ा इंग्लिश बोला ये क्या? हाँ बोली तो आप भी बोल रहे। अच्छा ही इज अ पार्टनर फॉर बेनिफिट ओनली, ओके ओके। हाँ तो ठीक है, ये लाइन अगर आपने कभी सुना है आप जानते हो, तो इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने एक पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का सम बना दिया है इस लाइन के ऊपर। ठीक है आइए देखते हैं आप इसको मैनेज कर पाते हो कि नहीं, एंड इफ यू कांट आई एम देयर टू हेल्प। लेकिन ये लाइन का नॉलेज, देखो एक होता लाइन और एक होता हम समझे हैं लाइन को, एक होता हमको याद है। याद नहीं चलेगा, उसको समझना पड़ेगा। अगर समझ के आप एग्जीक्यूट कर लेंगे तो आप केपेबल हैं, नहीं तो आपका रट्टाफिकेशन हुआ, मतलब आप रटे हैं उस चीज को। ठीक है तो 16 नंबर सम मेरा उसी चीज पे है, चाहिए 16 नंबर सम पढ़िए। आउटसाइडर लाइबिलिटी कितनी है रे, नाम बताओगे एक बार? आउटसाइडर एक लोन है, एक बैंक ओवरड्राफ्ट है, एक अदर लोन है और एक क्रेडिटर है। सिद्धार्थ कौन है? अच्छा वही माइनर वाला पार्टनर है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछना है, आपने एक लाइन बोला, क्या लाइन बोला बोलो तो इंग्लिश में, एक मिनट। हाँ बच्चों आप बोले नहीं, आप बोले माइनर इज द पार्टनर इन द बेनिफिट ओनली, तो ऐसा हो सकता है क्या? बोलना ठीक से और जो जो जानते हो लॉजिक लगा के बोलना। ऐसा हो सकता है क्या कि जस्ट बिकॉज ही इज ए माइनर, जो बाकी लोन है, क्रेडिटर है, ट्रेड लोन है, बैंक ओडी है, उसके भी पहले माइनर का लोन चुका दें हम लोग, उनको बाद में चुकाएं? ये पॉसिबल है कि आप जिसको मारवाड़ी में बोलते थावस रखिए, माने पेशेंस रखना होगा ना, माना ऐसा दादागिरी नहीं चलेगा। आप पार्टनर लोगों में आपको पहले दे सकते हैं, लेकिन आप हाँ आप सोचेंगे आउटसाइडर से भी पहले जस्ट बिकॉज यू आर ए माइनर इतना एंजॉयमेंट करने आपको नहीं मिलेगा। गुड
गुड, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद जैसे मैं बाहर वालों को चारों को पेमेंट कर दूंगा, बाहर वालों में खाली पता करो कोई सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का सीन क्या है, एक बार पढ़ लो पूरा सम को, फिर बात करते हैं। दक्ष को जिम्मेदारी दिया है कि तुम सारा काम करके दे दो, उसका कमीशन है 5% ऑन दी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि नहीं? सुनिए, मैं आपको बढ़िया बात सुनाता हूं। जैसे मान लीजिए तीनों पार्टनर, दक्ष और कौन कौन है यहां पे, यस और सिद्धार्थ, मान लो तीनों पार्टनर 1,00,000 रुपया पाते हैं, मिला के 1,00,000, और दक्ष जो है वो ये काम भी मैनेज कर रहा है, तो दक्ष को बोला गया कि आप ये काम करो, आपको 5% कमीशन मिलेगा उस पैसा पे जो आप पार्टनर लोगों को दे पाएंगे, पार्टनर लोगों को दे पाएंगे। तो अब पार्टनर लोग पाता 1,00,000, उसको मिलेगा 5% कमीशन ऑन 1,00,000, अगर वो पार्टनर लोगों को 1,00,000 दे पाया, हेलो, और उसको मिलेगा 5,000, 1,00,000 का 5% 5,000, तो उसके पास 1,05,000 रुपया अगर हुआ तो 5,000 खुद लेगा और 1,00,000 पार्टनर लोगों को देगा, लेकिन पैसा उसके पास पहले आएगा फिर वो बांटेगा। पैसा अगर उसके पास 60,000 हुआ तो क्या होगा? कमीशन क्यों नहीं मिलेगा? पूरा 5,000 पहले ले लेगा कि 60,000 का 5/105 करना होगा? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? पूरा 5,000 पहले ले लेगा या पहले 60,000 इंटू, क्यों हंस रहे? 60 तक गलती पड़ा है, 60,000 इंटू 5/105 जितना निकलेगा वो खुद का कमीशन रख लेगा, फिर तीनों पार्टनर को बांट देगा। एक बार आप कैलकुलेटर पे 60,000 इंटू 5/105 निकालो, 2857, इसको 60,000 से माइनस करो, ये आया 57143। तो ये 57143 दक्ष विल पे टू ऑल दी पार्टनर्स इंक्लूडिंग दक्ष हिमसेल्फ, दक्ष भी पार्टनर ही है, और देखना इसी का 5% 2857 होगा। इतना रुपया पार्टनर को देना है, 5% खुद रखना है। तो आप ये समझ लो 100:5 के रेशियो में, मेरा बात को ध्यान से सुनना, 100:5 के रेशियो में अपने पैसे को बांटते जाना है, 5 खुद रख लेना, 100 पार्टनर लोगों को बांटते जाना है। तो कभी भी अगर कमीशन का स्ट्रक्चर पेमेंट के ऊपर होना तो कैश इंटू 5/105 इज द कमीशन। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना भी रुपया रहेगा 5 हम लेंगे 100 तुम लेना, रेशियो में 1:20 के रेशियो में ले लेंगे, ठीक है, स्टार्ट कीजिए। अच्छा, ये नहीं बोले तुम लोग कि कोई पार्टनर चारों लोन में कोई सिक्योर्ड है जिसको पहले देना है? अंदाजा मत लगाना, लिखा हुआ होना चाहिए, कुछ मेंशन नहीं है तो चारों अगर एक जैसा हो तो किसी को पहले किसी को बाद में नहीं दे सकते, रेशियो में आपको देना पड़ेगा। तो ठीक है, बस स्टोरी डन है। टेबल बनाएंगे, कितना आउटसाइडर है, कितना लोन है, नंबर गिनना है और कितना कैपिटल है, टोटल 8, 4 आउटसाइडर है, 1 लोन है, 3 कैपिटल है, तो 8 कॉलम का पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल रेडी करो। हाँ बोल बेटा, जोर जोर से बोल बेटा। नहीं, क्यों करोगे? क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं, अगर मान लो ऐसे भी माने फर्क नहीं पड़ेगा तेरे आंसर में, लेकिन लोन का पैसा पहले पेमेंट होगा, कैपिटल का पैसा बाद में पेमेंट होता है, तो क्योंकि टाइमिंग का इश्यू होता है,
तो ऐड नहीं करना चाहिए। यही अगर असेट साइड में होता और ये नहीं लिखा होता उसके असेट से कुछ रियलाइज हुआ है तो आप नेट कर सकते थे, लेकिन अगर लायबिलिटी है हमारी तो लायबिलिटी हमें पहले चुकानी पड़ेगी कैपिटल से पहले। ये तो आप बताएंगे, सम बोलेगा, सम नहीं बोलेगा तो अजम्पशन लेंगे। अजम्पशन में अपने बैठ के डिसाइड कर लेंगे, आंसर में फर्क नहीं होता है। यार जगह ही नहीं बचा यार। बच्चों यहां मंथ वाइज पेमेंट है कि डेट वाइज बताना, तो क्योंकि ज्यादातर सम तुम लोगों को जितना भी क्लास वर्क होमवर्क में जो भी पहले किए थे ना सब में मंथ वाइज था। 15-15 दिन में है, हाँ तो फिर डेट वाइज होगा, हाफ मंथ तो कैसे लिखेंगे, डेट वाइज लिखते हैं। ये 8 कॉलम मेरा रेडी हो गया, पर्टिकुलर सम ने लिख लिया, आप जैसे ही आपका रेडी हो जाए हमको बोलना। चलो बताओ कितना कितना लिखना है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग। आप लोग कोई भी पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का होमवर्क बनाए हैं? ओके बोलो। अच्छा एक होमवर्क में 5x105 का कॉन्सेप्ट यूज हुआ होगा कमीशन वाला। चलो बताओ आउटस्टैंडिंग बताओ। मैं बताऊं आप नहीं बता रहे हो तो 3 लाख 3 लाख 2 लाख 2 लाख कितना 2 लाख है रे बाबा 2 लाख और 3 और 2 ही है जो भी है 3 लाख फिर 2 लाख हिसाब से अभी 2 लाख होना चाहिए 1 लाख सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन आप कब करोगे देख के बताओ। 1 जनवरी को, 1 जनवरी को आपके पास कुछ कैश है? Yes. कितना? Yes. सर अब सब कोई रेडी हो गए हैं बातचीत करने के लिए, एकदम धीरे धीरे मूव करोगे। कैश है आपने बोला कितना? 20,000। और कुछ बेचा है उस दिन उन्होंने? डेटर्स कितना पैसा मिला उससे? 3.5 लाख तो हो गया 370। कुछ खर्चा उर्चा के लिए रुपया बचाना है? कितना? तो अभी कितना बांट सकते हैं? 3,60,000। किसको देना है? रेशियो में चारों को दे दे, लिखो। जगह बहुत ही कम है मेरे पास लेफ्ट साइड में, तो हम थोड़ा सा ना कंजूसी करके लिखना पड़ रहा है। किस रेशियो में दोगे सबको? 3:3:2:2:2। वेरी गुड। 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10।
ये 20 करना है, ये लेकिन 360 ही हो रहा है, ठीक है। 108,000 आया, ये जिन लोगों ने ये कर लिया वो बताना। तो जो 10,000 रुपया हम लोग रखे थे खर्चा के लिए, लास्ट में कितना पेमेंट हुआ? 20,000 पांच, ऐसा गंदा अमाउंट, 5 रुपया, इसको 20,000 नहीं कर सकता था ये ना? कर देना है क्वेश्चन पेपर में, फिर मार्क्स देखना अपना। 20,000 पांच, हाँ। तो ये मेरे को खाली पता करना है कि ये कौन सी डेट में इन लोगों ने 20,005 रुपया पेमेंट किया, क्योंकि ना मेरे को फिर 10,005 रुपया और निकालना पड़ेगा, 10,000 तो मेरा निकाला हुआ है, 10,005 रुपया और निकालना पड़ेगा। इसका डेट पता करो, वेदर इट इज 13 मार्च, 1 मार्च, 15 फरवरी, कौन से दिन इन्होंने फाइनल पेमेंट किया? 15 मार्च लिख के दिया या तुमने गेस किया? वो बोल रहा लिख के दिया है, अच्छा वहां लिखा है फाइनल डिसोल्यूशन मेड ऑन 15 मार्च और एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन जो है वो लास्ट में ही पे हुआ होगा। क्या ठीक है, इसको कोई बोल सकता है कि हमको दिया है और कोई बोल सकता है हम गेस किए हैं, बट गेस करने वाला बच्चा भी यही गेस करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं लिखा खर्चा उसी दिन पेमेंट हुआ है, ऐसा बोला रियलाइजेशन का खर्चा इतना हुआ है, पेमेंट थोड़ा पहले थोड़ा बाद में भी तो हो सकता है, बट स्टिल 15 मार्च इज द बेस्ट आंसर। चलो अभी तो खैर बहुत देर है, 15 जनवरी को क्या बेचे हम लोग और क्या पेमेंट करना है? कितना आया रे फिक्स्ड असेट बेच के? हाँ, लाइबिलिटी तो लगता है खत्म हो जाएगा, 3:3:2:2। बोलिए 1 फरवरी को कुछ कितना चीज बेचे और क्या आया? तो डेटर तो पहले ही कलेक्ट कर लिए थे, कुछ बचा हुआ होगा। ओके ओके ओके, ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, तुमने पहले बोला ना डेटर से हम कलेक्ट कर लिए, हाँ, और बाद में और कलेक्शन हुआ, उस समय थोड़ा हुआ होगा, बाकी बाद में हुआ होगा, ठीक है।
टाइम पास करा रहा हम लोग से। आउटसाइडर को पेमेंट करने का चार बार वर्किंग कराने से अच्छा नहीं एक बार में खत्म कराए, मेन सम में चाहे जल्दी से। आप लोगों ने जो बोला था पार्टनर विल क्या, माइनर पार्टनर विल बी, हाँ द पार्टनर इन द बेनिफिट ओनली, ये बोले थे ना आप लोग, उसका काम अभी बाकी है, उसी के लिए सम है और कुछ नहीं है सम में। वो काम अभी तक आप किए नहीं है क्योंकि अभी तक तो बाहर वालों का ही पेमेंट चल रहा है। कितना कैश है बच्चों, ये कितनी तारीख को अब होगा, कितना कैश आया, ना गंदा अभी भी नहीं हुआ मालूम, अभी भी नहीं हुआ, वही कर रहा हम 3:3:2:2। चीपनेस है सम का मतलब ये। सबसे ज्यादा तो गुस्सा इसको लिखने में आता, 2,00,000, 3,00,000, 2,00,000, 1,00,000 को। यहां तो फिर भी कुछ कर रहे हैं, यहां तो कुछ नहीं कर रहे, खाली उतारते जा रहे हैं। एक जैसा फीलिंग है कि तुम लोग के मन में भी वैसे ही रहता है। नहीं मैं बोला स्टूडेंट है तो पंद्रह फरवरी के बाद कितना पेमेंट है रे, 1 मार्च का है ना फिर सीधा, 1 मार्च को क्या बेचे बच्चों, ₹50,000 जस्ट आउटसाइडर का ही पेमेंट होगा। देखो ठीक 50,000 में 5 वर्किंग हम लोग का बर्बाद किया, ये 5 बार मेहनत कराया, इस सब में स्टूडेंट लोगों को फैसिलिटी मिलना कर रहे हैं, इसमें स्टूडेंट लोगों को फैसिलिटी मिलना चाहिए कि टू द एक्सटेंट आउटसाइडर्स आर पेड वी आर एडिंग टुगेदर ऑल द रियलाइजेशंस एंड मेकिंग वन पेमेंट टू ऑल ऑफ देम। नहीं मिलेगा मार्क्स, बुरी तरह से काट लेगा वो लोग। बोलेगा ड्यू टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेजी नेचर ऑफ द स्टूडेंट वी आर डिडक्टिंग अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द मार्क्स। दो लाख, 3,00,000, 2,00,000 और 1,00,000 ये अभी मेरे को चुकाना बाकी है एंड परहैप्स वी आर ऑन द लास्ट डेट। चलो लास्ट डेट में क्या करना है बताओ, आप लोग पहुंच गए लास्ट डेट तक, 15 मार्च इज द लास्ट डेट, क्या बेच के कितना पैसा आया, 8,00,000 आया, साइजेबल अमाउंट है। अभी सब कुछ करेंगे आप, जो जो बोलेंगे वो होगा। अब आपको बोलना है घटिया काम हम कर दिए, अब आप लोग जो स्टैंडर्ड बात आप बोले ना इंग्लिश में, पार्टनर इज द पार्टनर इन द बेनिफिट ओनली ना क्या क्या बोले, उसको करके दिखाइए। इजी है, इजी है। पहले 8,00,000 में वो 10,000 रुपया ना क्या माइनस करना था ना, 10,005 कर दीजिए एक्सपेंस। भाई साहब एकदम मेरे पास लेफ्ट में जगह नहीं है, अगर हम नहीं लिख पाएंगे तो आप लिख लीजिएगा अच्छे से। ₹789,995 ठीक है, ये किसको देना है, ये 789 पहले किसको देना है, पहले 2,00,000 लोन को दे दे। अच्छा इस लोन को देते वक्त क्या आपने वो वाला रूल लगाया कि पार्टनर इज द पार्ट क्या माइनर पार्टनर इज द पार्टनर इन द बेनिफिट ओनली, इंग्लिश में बोले ना हमको बढ़िया से याद हो गया ये चीज, इसको ऐसे नहीं बोल सकते थे लॉस में शेयर नहीं मिलेगा प्रॉफिट में मिलेगा। पार्टनरशिप एक्ट
तो इसको ऐसे नहीं बोल सकते थे लॉस में शेयर नहीं मिलेगा, प्रॉफिट में मिलेगा। अब हम इसको जब तक सम खत्म नहीं होगा बोलते रहेंगे। चलिए हमको बताइए, नहीं हेलो हमको अच्छा लगा पहले, हम बुरा नहीं लगा, लेकिन अब मसाला मिला है हम हंसी करने का, तो मजाक तो करेंगे। दे दे 2 लाख रुपए पार्टनर को। अभी कितने पैसे बचे अपने पास? 589,995 ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। इसमें से अब पैसा पार्टनर लोगों को देना चालू हो जाएगा, लेकिन इसको पहले 100:5 के रेशियो में कमीशन का पेमेंट पहले कराना पड़ेगा, बिकॉज जो दक्ष नाम का पार्टनर है वो अपना कमीशन पहले ले लेगा, और उसका जो कमीशन का पेमेंट होगा वो आप कैपिटल के टेबल में मत लिखिएगा, बिकॉज ये उसका कैपिटल का पेमेंट नहीं है, ये उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। तो आप इसका कमीशन निकाल लो 5/105। ये तो लिखने तो दीजिए, कितना निकला? ओ इसी को करने के लिए 95 लाया है बेटा वो लोग। ये थोड़ा सेट हो जाए अच्छा से। बैलेंस बचा है 561,900। सर हंसी मजाक साइड में, हम इतना बार बोले ये वाला बात साइड में, गेट इन्वॉल्व एंड यूज योर दैट वाला नॉलेज इन आंसरिंग माई दिस वाला क्वेश्चन। ऑल आर रेडी? आप लोग नहीं है रेडी अभी भी, यहां तक लिख लो और रेडी हो जाओ। लेफ्ट में जगह थोड़ा कम था तो कंजूसी करना पड़ा। तीनों पार्टनर, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया मेरा, तीनों पार्टनर मिला के कितना कैपिटल है? श्योर? हमारे पास लास्ट में कितने पैसे हैं? 561,900। हमें कितना लॉस हो रहा है, माने पार्टनरशिप फर्म को कितना लॉस हो रहा है? 38,100। सिद्धार्थ को यह लॉस मिलेगा क्या? गुड, क्योंकि माइनर इज द पार्टनर इन द बेनिफिट ओनली, ही इज नॉट द पार्टनर इन द लॉसेस। थैंक यू। इसी चीज के लिए पॉइंट था। तो फिर एक बात बताओ, अगर उसको लॉस का शेयर नहीं मिलेगा तो उसको क्या उसका 1 लाख रुपया मिल जाएगा पूरा आराम से? उसको उसका 1 लाख पूरा मिल जाएगा। तो पहले दे दें उसको 1 लाख या पहले झुला के रखें उसको? उसको पहले दे दे, फिर बाकी दोनों पार्टनर का हिसाब किताब करते रहें। दे दीजिए 1 लाख। यही है एक लाइन का मतलब कि लॉस निकाला, कैलकुलेट किए, पता किया, अरे वो तो माइनर है, उसको तो लॉस मिलेगा ही नहीं। तो लॉस नहीं मिलेगा तो फिर उसको उसके कैपिटल का पूरा पैसा जरूर मिलेगा। अच्छा यहां पे अगर पैसा ही सिर्फ 20,000 होता, हां पूरा माइनर को दे देते, क्योंकि वो तो लॉस लेगा नहीं। नहीं समझे बात को? तो जितना पैसा बचा उतना माइनर को दे देंगे। मैं 1 लाख माइनर को दे दे रहा हूं, माइनर सिद्धार्थ है ना। अब बाकी दोनों पार्टनर हैं, और किसको पहले किसको बाद में पैसा देने के लिए कौन सा मेथड बनाओगे वो डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेस कैपिटल में जाना है या मैक्सिमम लॉस में? ओके, तो दो ही पार्टनर हैं, एक्सेस कैपिटल में आप लोग जाना चाहते हो, लिखो वी अज्यूम दैट एक्सेस कैपिटल मेथड विल बी फॉलोड। एक्सेस कैपिटल इजी भी होता है। बताइए कैपिटल आउटस्टैंडिंग कितनी है?
PSR. वन इज टू छी वही आ गया. इसको क्या नाम बोलते थे हम लोग? कैपिटल पर शेयर. याद हो तो बताना इसके बाद क्या करते थे. छोटे को सर्कल कर देते थे, फिर पीएसआर से दोनों को मल्टीप्लाई करते थे. उसको क्या बोलते थे? रिलेटिव कैपिटल. अब सबसे टॉप से सबसे बॉटम को माइनस करेंगे. एक बंदे का एक्सेस कैपिटल आया दक्ष का, क्या करना है बताइए? पहला 1,00,000 दक्ष को दे देते हैं. अब जानते हो अपने पास कितने पैसे बचे? हां 3,61,900 बचा. क्या करें? 3:2 या 1:1? हाँ, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है. बांट दो. 1,80,950. रुक जा गलत जगह पे लिख दिए. इस पे मैंने लिखा यहां पे और लास्ट में मेरा ये बैलेंस आ गया और ये 15 मार्च का पेमेंट होने के बाद का बैलेंस है. माने अभी भी ये दोनों पार्टनर इतना रुपया पाते हैं. अभी भी क्या इनको हम ये रुपया दे पाएंगे? रुक जाओ, सबको यहां तक पहुंचो, फिर बात करेंगे. सबको टोटल करके फाइनल तक पहुंचो, यहां तक, देन वी विल टॉक. सबका इतना पहले आता है कि नहीं वो देख लो. चलिए कमेंट कीजिए. हाँ, रियलाइजेशन लॉस बोल दीजिए, डेफिशिएंसी बोल दीजिए. डेफिशिएंसी से ज्यादा अच्छा वर्ड है रियलाइजेशन लॉस. ये लोग इंसॉल्वेंट थोड़ी हैं. इंसॉल्वेंसी होने से डेफिशिएंसी वर्ड यूज होता है, यहां पे रियलाइजेशन लॉस होना चाहिए. अब उस वाले लाइन को यूज कीजिए. इस बच्चे को रियलाइजेशन का लॉस क्यों नहीं मिला? माइनर इज द पार्टनर इन द बेनिफिट ओनली एंड एज बिकॉज दिस इज अ लॉस ही इज नॉट गोइंग टू शेयर एनी पार्ट ऑफ दिस. लिखो यहां पे खाली लिख लो बैलेंस में रियलाइजेशन लॉस. पार्टनरशिप का जो दो सम बचा हुआ है ना, दोनों सम आपके स्टडी मॉड्यूल, आपके पास स्टडी मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट वाला? स्टडी मॉड्यूल में है. हम चाहेंगे आप उसको स्टडी मॉड्यूल से कर लीजिएगा. मैं आपको स्टडी मॉड्यूल का, आप जाके देख लीजिएगा ना दोनों सम को, इलस्ट्रेशन में है दोनों सम, ठीक है, वहां से कर लीजिएगा. ओके, हम लोग अभी 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं. पार्टनरशिप अपना खत्म होता है, जो भी बचा होमवर्क आप कर लोगे.